फ्रेंड्स, यदि आपके गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, गुलदाउदी जैसे फूलों वाले पौधों में ग्रोथ रुक गई है या फूल नहीं आ रहे हैं, और यदि फूल आ चुके हैं, एक बार आकर दोबारा आना बंद हो गए हैं, तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसमें अच्छी मात्रा में प्लांट के लिए पोटेशियम मिलेगा, और पोटेशियम प्लांट में फल और फूल लाने में बेहद मदद करता है। यदि प्लांट में पोटेशियम की कमी होती है तो प्लांट में कलियां नहीं बनती हैं, कलियां बनती हैं तो फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। इसके साथ ही इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन भी मौजूद है। ये नाइट्रोजन प्लांट के लिए नई ग्रोथ देगा। जब तक नई ग्रोथ प्लांट में नहीं होती है, प्लांट में फूल नहीं आते हैं। तो यदि आपके गुड़हल, गुलाब फूल नहीं दे रहे हैं तो इस फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर यूज़ करें। महीने में एक बार भी यूज़ करते हैं तो प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल आने लगेंगे। इस फर्टिलाइज़र का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है, प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाता है। यदि मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी तो हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स में डालेंगे, प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस फर्टिलाइज़र की मदद से प्लांट की सॉइल का पीएच बैलेंस रहेगा। ये फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल के पीएच को थोड़ा सा एसिडिक कर देगी, और एसिडिक सॉइल में गुलाब, गुड़हल जैसे प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। मोगरा के लिए ये फर्टिलाइज़र वरदान है। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। तीन चीज़ें मिलाकर मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है, और ये चीज़ें आपको घर पे ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। सबसे पहले एक खाली जार ले लेना है, और इसमें मैं डालूँगी ये आलू का छिलका। आलू के छिलके हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं, और इन छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक और भी कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन से ये भरपूर होते हैं छिलके। इसके फर्टिलाइज़र से प्लांट की पत्तियां हरी और चमकीली होती हैं, और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। प्लांट में फूल अच्छी मात्रा में आते हैं क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी पाया जाता है। तो मैंने ये दो मुट्ठी आलू के छिलके ले लिए हैं, और इसको इन जार में डाल लेना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके भी पोटेशियम का रिसोर्स हैं, और हम सभी प्याज का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर समय समय पर यूज़ भी करते रहते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हमारे प्लांट्स के लिए हैं, लेकिन इस तरह से आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करते हैं तो ये फर्टिलाइज़र और भी पावरफुल हो जाता है। तो इसको भी हमें इसी जार में इकट्ठा कर लेना है। मैंने एक मुट्ठी प्याज के छिलके लिए हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है यूज़ की हुई चाय पत्ती। नाइट्रोजन से भरपूर रहती है, प्लांट की ग्रोथ में बहुत मदद करती है, साथ में मिट्टी के पीएच को बैलेंस करके रखती है। मिट्टी का पीएच थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, और अच्छे फूल और फल प्लांट में आते हैं। तो मैंने एक चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। इसको हमें अच्छी तरह से पानी से भर देना है। पानी से भरने के बाद आपको इसे एक दिन के लिए ढककर रखना होगा। एक दिन बाद हम इसका प्लांट्स पर यूज़ करेंगे। एक दिन बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। तो इसको छानने के बाद हमें डाइल्यूट करना होगा। जितना भाग आपने फर्टिलाइज़र लिया है उतना ही भाग आपको इसमें सादा पानी मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आप अपने सभी प्लांट्स की सॉइल में महीने में एक बार पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। देखेंगे आपके प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और उनमें फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाएं ये फ्री का जैविक फर्टिलाइज़र और प्लांट को अच्छी ग्रोथ दें। थैंक यू।